राम राम भाई लोग। तो आप लोग बिग बॉस एकदम चौड़े से देख रहे हैं और एक बार फिर से कैप्टेंसी टास्क हो गया है रद्द। हालांकि ये कोई नया नहीं है, ये हमको लगता है कि इन लोगों की कुंडली में ही लिखा हुआ है कि आप हर बार टास्क रद्द कर दीजिएगा। पूरी कोशिश कीजिएगा पूर्ण बहुमत और आपसी सहमति से कि टास्क ही ना हो, रद्द ही हो जाए। तो ये तो लोचा है, चलता रहेगा बिग बॉस में। बात करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला जी का। सिद्धार्थ शुक्ला जी बहुत सही खेल रहे हैं, शानदार खेल रहे हैं आजकल मधुरिमा के साथ, लबी डबी। एक्चुअली वो मजाक है कि शहनाज ताकि उससे पिन के आग बबूला हो, उसके अंदर बारूद पैदा हो कि अरे ये क्या हो गया, अब सिद्धार्थ उधर जा रहा है, ऐसा कुछ। बट इसको दिल से लेने का और मतलब वो आन पर लेने की जरूरत नहीं है, वो उनका ऐसे ही ड्रामा चल रहा है। बहुत फनी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सिद्धार्थ शुक्ला तो ऐसा लगता है कि जैसे मस्त मलंग बंदा है, पूरा घर वो बब्बर शेर का नहीं होता, पूरा इलाका, और वैसा ही चलता है एकदम। तो बहुत शानदार लगता है बंदा। शहनाज भी बहुत क्यूट और फनी है। बात बाकी आसिम की बात करें तो आसिम का गेम डगमगाया है पूरा, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि अब वो धीरे धीरे विलुप्त प्रजाति हो रहे हैं घर में। मुझे ऐसा बेसिकली लगता है कि टॉप थ्री इस बार शहनाज भी बहुत क्यूट और फनी है। बात बाकी आसिम की बात करें तो आसिम का गेम डगमगाया है पूरा, उतना अच्छा नहीं चल रहा है। और मुझे लग रहा है ऐसा कि अब वो धीरे धीरे विलुप्त प्रजाति हो रहे हैं घर में। मुझे ऐसा बेसिकली लगता है कि टॉप थ्री इस बार सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और रश्मि देसाई होंगी, क्योंकि उनका एक वो पॉपुलैरिटी भी है, प्लस आजकल वो उनका मतलब अभी कॉमेडी वाला में भी अच्छा जा रहा है, और वो सिद्धार्थ शुक्ला से अनबन चल रहा है उनका। तो मेरे हिसाब से यही है टॉप थ्री। और बात बाकी हमको ऐसा लगता है कि बस बाराती में आए हैं दूल्हे के साथ और बस नाचेंगे गाएंगे खाएंगे पिएंगे निकल लेंगे, और दूसरे की जर्नी में रंग भरने वाले कलाकार लग रहे हैं बाकी लोग, और इन लोगों की लग रही है कि खुद की जर्नी है। आज के समाचार, चलो अच्छा लगा ये देख के कि बाकी जो घर वाले हैं उनका जमीर अभी भी मरा नहीं है, जागा हुआ है। भले ही एक ही इंसान को रिएक्ट करने में जागा वो जमीर उनका, लेकिन जागा तो सही। मतलब इतने हफ्तों से किसी के बाप पे, किसी के फैमिली पे इतनी ज़्यादा गालियाँ दी जा रही है, इतनी ज़्यादा गालियाँ दी जा रही हैं कि बीप 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 पे मतलब सेंटेंस, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बीप होए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी एपिसोड में मैंने बाकियों का रिएक्शन नहीं देखा कि ए किसी के फैमिली पे क्यों बोला। चलो आज तो एटलीस्ट बोला, क्योंकि वो लड़का आसिम था, कोई बात नहीं। आसिम गालियां कौन दे रहा था और शुरुआत कौन कर रहा था? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत अच्छा, चलो चलो जस्टिफाइड है। वो जब दूसरे वाले इंसान गालियां दे रहे थे तो पोक आसिम कर रहा था, राइट? मतलब तूने पोक किया, तूने पोक किया, तूने पोक किया, इसलिए उसने गाली दी। अब जब इसने गाली दी तो तूने पहले दिया, तूने पहले दिया। मतलब मुझे इनका मॉरल कंपस समझ में ही नहीं आ रहा है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वेयर डज देयर मोरालिटी लाई। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। And I don't understand this. I don't understand that why doesn't anyone have the courage to actually tell the person who is going on abusing from day one on everyone's family कि लड़कियां ऐसे बिहेव कर रही हैं इस शो पे, जबकि उनको सही में सही और गलत में गलत बोलना चाहिए। But anyway, eventually विशाल की फैमिली पर भी गालियां हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद हिम। पर मतलब जो लड़कियां चीखी हैं आसिम पे कि ए कैसे बोला, तूने बोला, तूने बोला, तूने शुरुआत की, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यार इतने हफ्तों से ही वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग इन ब्रिंगिंग अप सिद्धार्थ फादर। जो गलत है वो गलत है, भले ही इतने हफ्तों का जो वेंट अप एंगर था वो आज निकला, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से निकला। किसी So every season I don't really talk so much, but this season it's I'm feeling like I don't know why I have to talk, I must talk, I feel compelled to talk. But I do want to appreciate Shehnaz, ke she is the only person who can actually
भी फादर पे या फैमिली पे या अपनों पर बोलना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आसिम का पारा इवेंचुअली फटेगा. मुझे लग रहा था कि वो अपना संयम बना रख पाएंगे और हिम और व्हाटएवर. आई अप्रिशिएट दैट. आई अप्रिशिएट कि रश्मि बड़ी होते हुए भी उन्होंने चूज़ किया कि एक इतने वर्बल फाइट में शी काइंड ऑफ गेव इन एंड शी सेड चलो ठीक है मुझे माफ़ कर दो आप बड़ी हो आप व्हाटएवर. एंड आई अप्रिशिएट रश्मि फॉर दैट. अदरवाइज एक दो हफ्ते पहले मुझे पता है कि रश्मि तीखी चीज़ों का जवाब तीखे से ही देती, बट टुडे आई रियली लाइक्ड द वे शी रिएक्टेड टू माहिरा. एंड आई ऑल्सो अप्रिशिएट आसिम के उसने छोड़ दिया. एज सून एज ही सॉ दैट शहनाज फेल डाउन ही सेड शहनाज गिर गई है पहले उसे उठाओ. ही डिडंट गो क्रेजी इन द टास्क टू यू नो रिमूव द टाइल और सेव. आई अप्रिशिएट आरती कि उन्होंने चलो लेट सही लेकिन बाद में तो वो बोला सिद्धार्थ को कि किसी के फैमिली पे मत जाओ. लेकिन बोलने का तरीका बहुत अलग है. जिस तरीके से वो सिद्धार्थ को बोलती है अरे मत जाना फैमिली पे मत जाना, इधर बोलती है तूने कहा तूने कहा. आई फील लाइक यार बिकम इक्वल इन द वे यू थिंक एंड इन द वे योर मॉरल्स आर फॉर एवरीबडी अक्रॉस द बोर्ड. एंड बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ. सो एनी वे एंजॉय बिग बॉस. Even in a fight or even in a task or even when her team is going against her, she will still say ke nahi ye galat hai, nahi usne bola, nahi usne nahi bola. She has her basics right and I really appreciate that about it. Abhi bhi Big Boss pe ek dusre ko ye bolta hai ke ladkiyon wale harkat kar raha hai, ladkiyon wale harkat kar raha hai. Mujhe aisa lagta hai ke literally I want to go and just शेक देम एंड आस्क देम यार लड़कियों वाले हरकत क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब होता है. व्हाट यू ट्राइंग टू एक्चुअली से दैट लड़के गॉसिप नहीं करते हैं, क्या लड़के बातें नहीं करते हैं, क्या लड़के लड़कों के वीक में मोमेंट्स नहीं होते हैं. तो प्लीज कैन एनीबडी आई मीन थैंक गॉड मैंने शिफालू को टोका था और वो अंदर जाके आई हैव एटलीस्ट सीन हर थ्री टाइम्स करेक्टिंग हरसेल्फ एंड टेलिंग अदर्स के यू नो लड़कियों वाली कोई चीज ऐसी होती नहीं है. सो गुड ऑन हर फॉर एक्चुअली मेंटेनिंग दैट. बट व्हाट्स माय ओपिनियन ऑन सिद्धार्थ शुक्ला, लेट्स सेव दैट अ लिटिल बिट बिकॉज आई फील लाइक नो मैटर व्हाट आई से इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हेट एंड एवरीथिंग कमिंग माय वे. आई थिंक ही इज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट बट आई ऑल्सो like he is going completely out of control with his anger with his aggression and mujhe aisa lag raha hai ki andar gussa sab hote hain lekin gussa phailane ka cause bhi kai log hote hain to I guess unhe acha lag raha hai logo ko ghus ghus ke ye puchna ki you know kya karega hame dekh raha hu acha okay. I feel like see there are two ways of dealing life in life with bad situations. You can walk away from them, say your you know what you have to say and move on. Lekin kisi ko instigate karna and just keep going on you know saying the same things, it's just unnecessary, just so unnecessary. And it's a bigger person to walk away. Yes, it's important ki aap apna point rakhe and Big Boss is about that, lekin I don't understand why people are getting so aggressive. That is point one. Otherwise, he's a strong contestant and I think, of course, he will be in the top two, top four, top five, whatever. But he will be there in the finale for sure. About Asim. Asim ko pata nahi do din se kya ho gaya hai. Matlab, achha jaate jaate, pagal ho jaate hain. I don't understand what he's up to. I actually think there's one person who is balanced in there and that is Paras. Of course, दो दिन से वो एक दो बार ही उन्होंने लोगों को बोला है कि हाँ वो 40 साल का बुढ़ा है या समथिंग एंड आई डोंट अग्री विद दैट एट ऑल. ही शुड कंट्रोल दैट एंड नॉट से ऑल दोज थिंग्स. बट 80-90% ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन पारस be the bigger person
इन सिचुएशंस, करेक्ट एडवाइस देते हैं लोगों को. किसी के बारे में अगर कुछ गलत बोला जा रहा है तो ही विल एक्चुअली से नहीं नहीं ऐसा मत बोलो. सो ही इज वेरी रिलेटेबल. आई लाइक पारस अ लॉट इन फैक्ट ऑन द शो एंड आई होप दैट ही गोज अ लॉन्ग वे. एंड मायरा, आई लाइक मायरा, आई थिंक शी इज बैलेंस्ड. बोलती भी है, अपना स्टैंड भी लेती है, लेकिन शी नीड्स टू कम आउट स्ट्रॉन्गर दैन दैन मोस्ट अदर पीपल. बट या आई फाइंड पारस द मोस्ट बैलेंस्ड. बहुत ही मतलब स्ट्रांग भी हैं और बैलेंस्ड भी हैं. एंड आई होप कि वो कुछ अपने मुंह से गलत चीजें ना बोलें. दैट्स अबाउट इट, बिकॉज गलत तो सभी बोल रहे हैं अंदर. इट्स क्रेजी. आई थिंक शहनाज इज एंटरटेनिंग एंड लो इनके शुरू हो गए बैड लैंग्वेज एंड पीपल हु यू नो द थिंग इज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप याद रखें कि आप उनको रिप्रेजेंट भी करते हैं इन सम वे. सो इफ यू आर गोइंग टू अब्यूज एंड शो योर मिडल फिंगर एंड बिहेव लाइक दैट देन आई कैन टेल वाई यू आर द फैन ऑफ सम पीपल बिकॉज लाइक माइंडेड पीपल राइट. तो एटलीस्ट अपना अपना पहले बिहेवियर सुधार लीजिए एंड देन यू नो रिप्रेजेंट सम वन. आई थिंक दे ऑल आर फैंटास्टिक. सिद्धार्थ इज वेरी ह्यूमन. काफी चीजें उनकी काफी ह्यूमेन लगती हैं, जैसे कि इंसानियत उनमें दिखती है व्हेन इट कम्स टू यू नो डीलिंग विद शहनाज, या सिर्फ अपने लोगों के लिए दिखती है. बाकी घर के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहता है. हु विल विन? आई डोंट नो हु विल विन. आई हैव जस्ट सीन द प्रोमो दैट रश्मि एंड देवोलीना आर बैक, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट. दोज आर स्ट्रांग गर्ल्स. And thank you. Yeah, I think violence is not necessary. जिस तरीके से आप झिझोड़ते हो टास्क में लोगों को, it really shows that you can be a good. Call आ गया था बीच में. So anyway, Asim is really good. ही इज स्ट्रांग एंड वो उनका कोई पिछला वो नहीं है हमारे दिमाग में. तो अच्छा है, ही स्टार्टिंग न्यू, ही इज डूइंग गुड. आई रियली लाइक हिम. बहुत इंटेलिजेंट बातें भी करते हैं जब लोगों को एडवाइस देते हैं. सो आई थिंक ही इज कूल. आई यू आर द रियल विनर. थैंक यू. बट आई ऑल्सो फील लाइक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. इंडिया इज मोस्ट इनोसेंट फेस. Thank you. But yeah, I just pray that, you know, the good people can maintain being good and keep their heads in the right space. I really admire you. Hi, Malhotra. All right, so I just wanted to say enjoy the show. I think Big Boss always does keep everyone engaged. So this season is amazing to watch, and too much violence, too much aggression. I wish people could just balance things out, but it's entertaining. So I hope you all are enjoying that, and I will probably speak to you in my next life. So I love you. Bye. See you. Ta-da.